हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 20। बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। ए शॉपकीपर बोट लॉक्स एट रुपीज एट द रेट ऑफ 8 लॉक्स फॉर ₹34 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 12 लॉक्स फॉर ₹57 एंड कैलकुलेट। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट गेन द प्रॉफिट एंड सेकेंड नंबर ऑफ द लॉक्स इफ ही सोल्ड सेल द अर्न फॉर प्रॉफिट 45। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हिंट गिवन है, आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पर यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी इससे ईजिएस्ट जो मैं वे आपको कराने वाला हूँ या इससे ईजिएस्ट वे आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको लेना है एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 24। ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ लॉक्स बोट इज 24। ठीक है, 24 जो है इसमें भेज दिए। तो यहां से अगर अपने बात करें, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 लॉक्स इज ₹34। ठीक है, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लॉक इज 34/8। ठीक है, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 लॉक्स दैट विल बी 34/8 एंड मल्टीप्लाई बाय 24। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा और 102। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 लॉक्स इज ₹102। वैसे ही बात करेंगे सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 लॉक्स ये आपको गिवन है कितना, ₹57। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लॉक क्या हो जाएगी, 57/12, और सेलिंग प्राइस ऑफ 24 लॉक्स क्या हो जाएगी, इज 57/12 एंड मल्टीप्लाई बाय 24। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और ये हो गया देखिए आपके पास 140। तो यहाँ से देखिए हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। तो इन दिस केस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, गेन होगा। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है हमें, प्रॉफिट हो रहा है देखिए कितना, 114 माइनस 102, इट मीन्स ₹12 का यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये गया 6 टाइम्स, ये गया 51 टाइम्स। अगेन देखिए 3 के टेबल से कट करते हैं, 3 2 जा 6, ये जाएगा आपका 3 1 जा 3 एंड 17 टाइम्स। फाइनली 200/17, 17 1 जा 17, माइनस करने पर यहाँ पर आपके पास आया देखिए 3 3 0 30, अगेन 17 1 जा 17, माइनस करने पर आपके पास आ गया यहाँ पर 13। ठीक है, 13/17। सो 11 होल 13/17 परसेंटेज इज द गेन परसेंटेज। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछा है, द नंबर ऑफ लॉक्स ही शुड सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹45। तो यहाँ से अगर अपने देखें, प्रॉफिट अर्नड इन सेलिंग, ठीक है, सो प्रॉफिट अर्न की जगह हम लिख देते हैं टोटल प्रॉफिट ₹12 अर्नड बाय सेलिंग 24 लॉक्स।
ठीक है। तो 1 रुपीज़ का अगर अपने अर्न करेंगे तो कितने लोग सेल करने पड़ेंगे, 24/12। और अगर आपको ₹45 अर्न करने हैं तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा 24/12 एंड मल्टीप्लाई बाय 45। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 × 45 90 लॉक्स। अगर आप 90 लॉक्स जो है सेल करते हैं तो यहाँ पर आपके जो प्रॉफिट है वो स्टूडेंट्स 45 आ जाएगा। तो इसी का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।